हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी सक्सेसफुल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले एमबीओ की। ठीक है, हमने देखा था कि कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है और उसमें एंडोस्पर्म बनता था और एम्ब्रियो बनता था। ठीक है, तो हमने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी पढ़ लिया था और स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म भी दोनों हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि एम्ब्रियो के जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि 11th क्लास जो हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि दो एंजियोस्पर्म में प्लांट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मोनोकॉट प्लांट और डायकॉट प्लांट। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है दोनों प्लांट के, या तो मोनोकॉट हो या डायकॉट हो, दोनों प्लांट के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट प्लांट एंड इन डायकॉट प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोकॉट प्लांट इधर है, डायकॉट प्लांट इधर है, दोनों साथ में बनाने का रीजन, इनका कंपैरिजन हम इजीली कर पाए। ठीक, एनसीईआरटी में जो फिगर दिए हुए हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, ठीक है, वो आपको दिखा दिए जाएंगे स्क्रीन पे। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ फिगर है जो मैंने बनाए हुए हैं वो आपको समझने में आसानी हो, इसलिए इजी फिगर मैंने आपको रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो की। तो डायकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता कैसा है? ठीक है, तो हमने पढ़ा था एम्ब्रियो बनना कहाँ है, ओव्यूल के अंदर ही बनना है। ठीक है, कहाँ पर बनना है, माइक्रोपाइलर एंड पर बनना है। ठीक है, तो वहां से जहां, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पर ही क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो सस्पेंसर था वो एम्ब्रियो ऊपर ढकेलता चला गया था, वो तो बीच में आ गया था। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बना था वो कैसा बना था, तो ये एक सिंपल डायकॉट एम्ब्रियो का फिगर है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर जो सेंट्रल एक्सिस हमें दिखाई दे रही है, तो बीच वाली लाइन जो डैश डैश से हमें दिखाई दे रही है, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, लिखा हुआ है ये एम्ब्रियो की एक्सिस है जो कि एम्ब्रियो को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है यहाँ पर। ओके, अब होता क्या है कि इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों तरफ दो कॉटिलीडन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एक कॉटिलीडन ये है, एक कॉटिलीडन ये है। ठीक है, इज द कॉटिलीडन, इसी कॉटिलीडन के नाम पर, ठीक है, इसको हम डायकॉट बोलते हैं। डाई मींस दो, कॉटिलीडन मतलब एक स्ट्रक्चर जो कि एम्ब्रियो के अंदर होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन प्लांट का नाम पड़ा डायकॉट प्लांट इन्हीं कॉटिलीडन के आधार पर, और इनका नाम पड़ा मोनोकॉट प्लांट क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक कॉटिलीडन होता है। ठीक है, तो ये डायकॉट क्यों है, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों तरफ दो कॉटिलीडन पॉली, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये दो कॉटिलीडन हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसमें होता क्या है, एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडन, इसकी बात करी मैंने, एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडन मींस जहां पर कॉटिलीडन का अटैचमेंट है, मान लीजिए ये वो रीजन है जहां पे कॉटिलीडन का अटैचमेंट है। ठीक है, तो उस पॉइंट से ऊपर का हिस्सा मींस एबव रीजन, किससे ऊपर का, एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडन, कॉटिलीडन जहां से जुड़ रहे हैं यहां से, ठीक है, इससे ऊपर का रीजन जो ये रीजन में दिखाई दे रहा है ना, दिस इज नोन एज एपिकोटाइल। क्या कहलाता है ये, एपिकोटाइल कहलाता है। ठीक है, जबकि इसी एम्ब्रियो में कॉटिलीडन से नीचे का हिस्सा, ये जहां पर कॉटिलीडन जुड़ रहे हैं, ठीक है, उससे नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है हमारा, हाइपोकोटाइल कहलाता है। ठीक है, क्या कहा हमने, हमने बात कही एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडन, उससे ऊपर का हिस्सा एपिकोटाइल कहलाता है, हाइपो नीचे के लिए आता है। ठीक है, तो कॉटिलीडन से नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल कहलाता है। ठीक, आगे चलकर इसी एपिकोटाइल से डेवलप क्या होता है हमारा, प्लीन्यूल डेवलप होता है। ठीक है, और आगे चलकर इसी रेडिकल से हमारा डेवलप क्या होता है, सॉरी हाँ आगे चलकर इसी हाइपोकोटाइल से हमारा डेवलप क्या होता है, रेडिकल डेवलप होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस थी, एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों तरफ दो कॉटिलीडन थे। ठीक है, कॉटिलीडन से जुड़ने का ऊपर का स्थान एपिकोटाइल कहलाता है, उनके नीचे का स्थान हाइपोकोटाइल कहलाता है। ठीक है, एपिकोटाइल से बनता है प्लीम्यूल, जबकि हाइपोकोटाइल से बनता है रेडिकल। ठीक है, अब इनके काम की बात कर लेते हैं, प्लीम्यूल का काम क्या होता है, प्लीम्यूल का जो रोल होता है, ठीक है, उसका सीधा सा रोल होता है कि इट डेवलप्ड एज अ सूट अपेक्स, इट मींस जो सूट सिस्टम बनता है, मींस जमीन से ऊपर का पौधा जितना भी बनता है वो इसी प्लीम्यूल रीजन से बनता है। ठीक है ना, तो हम यहां पर लिख सकते हैं,
जो ल्यूमिन है उससे क्या डेवलप होगा, सूट सिस्टम डेवलप होता है हमारा, ठीक है। और जो रेडिकल बना हुआ है हाइपोक्रोटाइल से नीचे, ठीक है, रेडिकल से बनता है हमारा सूट रूट सिस्टम, ठीक है। इससे क्या बना, ल्यूमिन से सूट सिस्टम, मतलब जो पूरा ऊपर का तना है पौधे का, जमीन से ऊपर का हिस्सा है, सारा का सारा ल्यूमिन से बनेगा, ठीक है। और जो जमीन के अंदर वाला पार्ट है जिससे रूट सिस्टम बनता है, जड़ें बनती है पौधे की, वो तो जड़ें किससे बनती है, रेडिकल से बनती है, ठीक है। तो रेडिकल से क्या बनता हमारा रूट सिस्टम, हमारा किससे बन जाता है, रेडिकल से बनता है, ठीक है। अब बात आई फिर इस कॉटिलीडन का काम क्या होता है, ठीक है। तो कॉटिलीडन में क्या होता है, रिजर्व फूड होता है, अबंडेंट फूड होता है रिजर्व, ठीक है। जिसका काम क्या होता है, जब ये जर्मिनेट करेगा एम्ब्रियो, ठीक है, तो जब एम्ब्रियो से प्लांट बनेगा, ठीक, तो उस समय उसके लिए क्या देता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कॉटिलीडन का काम क्या है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, या कह सकते हैं जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो, ठीक है। जब ये जर्मिनेट करेगा, ठीक है, तो उस दौरान ये क्या देगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो कॉटिलीडन का काम क्या है, नरिश करना। मैं लिख देता हूं, कॉटिलीडन का प्रोवाइड नरिशमेंट किसके लिए, और द जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो, ठीक है। जब प्लांट बनता है तो उस दौरान यही क्या करता है, उसको एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। कोशिश की जाएगी आपको डाउट क्लियर करने की, ठीक है। ऐसे ही एज इट इज आपको समझना है, ठीक है। यही सारे कॉन्सेप्ट जो आपको एनसीईआरटी के फिगर में दिए हुए हैं वो आपको वहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। क्या बताया मैंने, ठीक, बताया कि एक एम्ब्रियोनल एक्सिस थी, उसके दोनों तरफ क्या, एक कॉटिलीडन है, ठीक है, एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे। उससे अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एपिगोटाइल है, बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हाइपोगोटाइल है, ठीक है। एपिगोटाइल से क्या बना, प्लीम्यूल बना, जिससे सूट सिस्टम बनेगा, पूरा का पूरा तना बनेगा जाके आगे चल के, ठीक है। हाइपोगोटाइल से क्या बना, रेडिकल बना, जिससे आगे चल के बनेगा रूट सिस्टम बनेगा, ठीक है। और कॉटिलीडन का काम क्या है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जब ये एम्ब्रियो अपने आप को जर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा डाइकॉट। इसकी बात कर लेते हैं, मोनोकॉट की बात कर लेते हैं, ठीक है। मोनोकॉट का मतलब, मोनो मतलब बन, कॉट मतलब कॉटिलीडन से शब्द आया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऐसे प्लांट के एम्ब्रियो के अंदर केवल केवल एक ही कॉटिलीडन होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे इससे, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात है, इसका यही क्या हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई हमारी, ठीक है। ये क्या हो गई, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक। एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब यहां पर इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें ये अंतर है कि यहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों तरफ कॉटिलीडन है, ठीक है, लेकिन मोनोकॉट प्लांट में एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक ही तरफ क्या होगा, एक कॉटिलीडन होगा, आइदर राइट हैंड साइड और आइदर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस की तरफ देखना होगा तुम्हें, इस तरफ क्या दिखाई दे रहा है, एक कॉटिलीडन दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा एक कॉटिलीडन दिख रहा है, ठीक है। अब अंतर क्या है, यहाँ पे कॉटिलीडन को हम कॉटिलीडन बोल रहे हैं, जबकि यहां पर हम कह सकते हैं कॉटिलीडन को स्पुटलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। केवल नेमिंग का अंतर है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। यहां पर इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, कंफ्यूज ना हो, कॉटिलीडन ही है, ठीक है। इट मींस मोनोकॉट प्लांट में कॉटिलीडन होता है हमारा, वो स्पुटलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कॉटिलीडन हो गया, ठीक है। वापस इससे कंपेरिजन करें, हमने कहा था कि एट द पॉइंट ऑफ, हाँ, अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडन, जहां से कॉटिलीडन जुड़ा हुआ है उससे ऊपर का स्थान एपिकोटाइल और उसके नीचे का स्थान हाइपोकोटाइल कहलाता है, ठीक है। सेम रीजन हम यहां पर आते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने कहा कि जहां से ये कॉटिलीडन है ना, तो यहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो हमने कहा कि जहां से कॉटिलीडन इस रीजन से यहां अटैचमेंट है, ठीक है, तो इस अटैचमेंट से ऊपर का हिस्सा पूरा ये, ठीक है, ये पूरा ऊपर का हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरा ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है हमारा, ठीक है, कॉटिलीडन कहलाता है, ठीक।
और कॉटलीडन से ऊपर, मतलब जिस जो कॉटलीडन है वो बना कहाँ से है, तो इसके ऊपर का हिस्सा, तो इससे हम क्या कहलाते हैं, हम इसे एपिकोटाइल कह देते हैं। एपिकोटाइल के बारे में मैंने क्या कहा था, एबव रीजन फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ कॉटलीडन, कॉटलीडन से ऊपर का स्थान क्या कहलाता है, एपिकोटाइल। इसी प्रकार से जहां से कॉटलीडन अटैच है उससे सारा ऊपर का स्थान क्या कहलाता है, एपिकोटाइल। इट मींस ये पूरा क्या होगा हमारा, ये पूरा एपिकोटाइल का हिस्सा होगा, ठीक है। अब ऐसी एपिकोटाइल में क्या है, कॉटलीडन भी है और सूट अपेक्स भी है, ठीक है। तो देखो हमने कहा कि इसी एपिकोटाइल से क्या बनता है, प्लीवियल बनता है, ठीक है। तो देखो इसी एपिकोटाइल रीजन से, ये एपिकोटाइल रीजन है ना, इसी से देखो क्या बना, ये प्लीमियल बना हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना, प्लीमियल, जिसे हम सूट अपेक्स के नाम से जान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें सूट अपेक्स है क्या, एक प्रकार का प्लीमियल ही है, ठीक है, प्लीमियल होगा ये हमारा, ठीक है। हमने कहा बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटलीडन, कॉटलीडन के अटैचमेंट से नीचे का स्थान हाइपोकोटाइल, या देखो कॉटलीडन से नीचे का स्थान हाइपोकोटाइल कहला रहा है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे का स्थान है ये क्या कहलाया हमारा, हाइपोकोटाइल कहलाया है, ठीक है। तो दो चीजें क्लियर हुई, ठीक, ये कॉटलीडन है, एक ही कॉटलीडन है इसलिए स्कूटलम नाम दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कॉटलीडन अटैच है इससे पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल। इसी हाइपोकोटाइल डेवलप क्या हुआ, प्लीमियल डेवलप हुआ है, इससे क्या बनेगा हमारा, सूट सिस्टम सारे के सारे इसी से बनेगा जाके, ठीक है। और उससे नीचे का स्थान क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल कहलाता है, जिससे क्या बनता है, हम पढ़ चुके हैं हाइपोकोटाइल से रेडिकल बनता है, ठीक है, और रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंस और नजर आ रहा है, यहाँ पर एक और हमें कॉटलीडन दे, दो कॉटलीडन दिख रहे हैं, यहाँ पर एक एक ही कॉटलीडन है, ठीक है। इट मींस क्या होता है, ऐसे प्लांट में ये ग्रास का स्ट्रक्चर एक्चुअल में, ठीक है, ये ग्रास के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो हम देखते हैं होता क्या है, ग्रास के एम्ब्रियो में एक कॉटलीडन, तो ये वेल डेवलप्ड कॉटलीडन दिख रहा है हमें, ठीक है, दिख रहा है ये कॉटलीडन, ठीक। लेकिन जो तो दूसरा कॉटलीडन होता है वो रिड्यूस हो चुका होता है, ठीक है, वेस्टिजियल कह सकते हैं इसको, वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह जा सकते हैं, ठीक है। तो जो एपिप्लास्ट दिख रहा है हमें, ये एपिप्लास्ट, ठीक है, ये एपिप्लास्ट क्या होता है, रिड्यूस कॉटलीडन, या कह सकते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन ही होता है, कह सकते हैं वेस्टिजियल कॉटलीडन ही होता है दूसरा कॉटलीडन, ठीक है। तो इसलिए एक ही डेवलप रह गया, इसलिए हमने इसका नाम दिया कॉटलीडन, कॉटलीडन, ठीक है, या स्कूटलर नाम दे दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्लियर कर लिया, हमने देखा कि एम्ब्रियो यहाँ पर केवल एक ही एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है और एक ही क्या है यहाँ पर, केवल कॉटलीडन है, ठीक है, वो एक ही तरफ होगा, अदर राइट हैंड साइड और अदर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमने कहा कि जहां से कॉटलीडन अटैच है उससे ऊपर का पूरा हिस्सा एपिकोटाइल कहलाएगा, ठीक है, उससे नीचे का हिस्सा हाइपोकोटाइल कहलाएगा, ठीक है। एपिकोटाइल से क्या बना हमारा, प्लीव्यूल, जिसे हम सूट अपेक्स के नाम से जानते हैं, हाइपोकोटाइल से क्या बना हमारा, रेडिकल, ठीक है, इससे हमारा क्या बनेगा, रूट सिस्टम बनेगा। आगे बात करें इसमें कुछ स्ट्रक्चर और नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। रेडिकल के नीचे हमने 11 क्लास में पढ़ा था कि रूट पे क्या होता है कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है रूट की, अपेक्स की, तो क्या कहलाती है, रूट कैप कहलाती है। तो देखो ये रूट रेडिकल हो गया, रेडिकल के नीचे क्या हो गया, ये रूट कैप हो गया, जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगी। अब यहाँ पर एक अंतर है केवल, ठीक है, या एक विशेषता सिर्फ ये है, दो चीजें यहाँ पर नई नजर आ रही होगी आपको, ठीक है, एक नजर आ रहा होगा आपको पॉलीपिटाइल और एक कॉलिराइजर, ठीक है, ये दो चीज आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं केवल एक कवरिंग है, ठीक है, एक प्लीम्यूल की कवरिंग है, ठीक, ये सूट अपेक्स को कवर करके रखने का काम कर रही है, ठीक है, और एक रेडिकल और रूट कैप को कवर करने का काम कर रही है, एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है ना, ये क्या है हमारी, कह सकते हैं ये कवरिंग है, ठीक है। कॉलीपिटाइल किसकी कवरिंग है, सूट अपेक्स, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि प्लीमियल को कवर करने का काम कर रही है, ठीक है। और इधर रेडिकल के बाहर, ठीक है, या रूट कैप के बाहर कह सकते हैं एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉलिराइजा नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ से क्लियर होती है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, दो फिगर पढ़े, एक स्ट्रक्चर ऑफ डायगोट एम्ब्रियो, इंपॉर्टेंट है, लास्ट टू लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है, उसमें पूछा गया था एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रास, ठीक है, सॉरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, ठीक है, ग्रास के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पूछा गया था लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो है छोड़ के आ रहे, क्योंकि उन्होंने तो ये भी पढ़ा था ये भी पढ़ा था, लेकिन इनको किस नाम से पढ़ा था, इसे मोनोकॉट के नाम से पढ़ा था, डायकॉट के नाम से पढ़ा था, ठीक है, लेकिन उन्होंने ग्रास के नाम से पूछ लिया और ग्रास में मोनोकॉट होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको एज इट इज सारी नेमिंग इनकी और इनके बारे में आनी चाहिए, इसलिए पूछा क्या जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं, इसकी नेमिंग और नेमिंग में इनके
हाँ जैसे प्लीवुड का काम क्या होता है, लिख दिया सूट अप एक्स की डेवलपमेंट करता है, ठीक है। रेडिकल का काम क्या होता है, फूड सिस्टम बनाता है, ठीक है। कोटलीडन में क्या होता है, रिजर्व फूड होते हैं जो कि जर्मेटिक एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हेपोकोटल क्या होते हैं, ये कोटलीडन से ऊपर का स्थान होता है, नीचे का स्थान होता है। सेम इधर आ जाओ, ठीक है, ये क्या हो गया, स्कोटलम हो गया, कोटलीडन के नाम से ही जाना जाता है ये भी, ठीक है। इसके अटैचमेंट से ऊपर का हिस्सा एपिकोटा है, जिससे क्या बनता है, प्लीव्यूल बनेगा, ठीक है। नीचे का हिस्सा हाइपोकोटा, जिससे क्या बनेगा, रेडिकल। रेडिकल के नीचे क्या है, रूट कैप है, और इस पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग है, जिसे कॉलिडाइजा कह रहे हैं, और इस पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग है, जिसे हम पॉलिपिडाइल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके ऊपर स्ट्रक्चर मोनोकोट और डायकोट के हुए। इसके अलावा, ठीक है, सीड के अंदर हमें जब, अब ये एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से क्या डेवलप हुआ, हमारा सीड डेवलप होता है, ठीक है। तो सीड की अगर हम बात करें तो सीड में भी कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखने होंगे, ठीक है। अगर हमने पढ़ा था कि जब सीड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, क्या कहा था, जब सीड की फॉर्मेशन होगी तो नरिशमेंट के लिए क्या चाहिए होगा, आपको भोजन चाहिए होगा, भोजन देगा कौन, ठीक है। तो सीड के डेवलपमेंट के लिए, या कह सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, कॉटलीडन ही एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। और इस पूरे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट किससे मिलेगी, हमने बात कही थी पीएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। अब क्या हुआ कि एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो के बाद सीड बन गया, ठीक है। तो सीड बन गया, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो पूरा की पूरी एनर्जी थी एंडोस्पर्म की, कुछ सीडों में खत्म हो जाती है, कुछ में रह जाती है। इट मीन्स कहने का मतलब सीधा सा ये हुआ कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी एंडोस्पर्म रह जाता है, और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म का पूरा पूरा इस्तेमाल हो जाता है इन दोनों के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म रह जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद में, दिस टाइप ऑफ सीड आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड, या एल्बुमिनस सीड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार के सीड होते हैं हमारे कौन से, नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका होता है, ठीक, इसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, दे आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड की, ठीक है। तो सीड है क्या एक्चुअल में, सीड फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, ठीक है, जो कि ओव्यूल से डेवलप होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सीड है क्या, सीड एक फर्टिलाइज एंड मैच्योर ओव्यूल होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो मैच्योर होकर तैयार होता है, ठीक है। जनरली सीड में कवरिंग होती है जिन्हें हम सीड कोट कह देते हैं, ठीक है, सीड कोट होती है, ठीक। हाँ, कुछ में वन और कुछ में टू भी हो सकती है, ठीक है। वन है तो केवल सीड कोट के नाम से जानी जाएगी, अगर टू है, ठीक है, तो उनमें फिर से दो, एक टेस्टा दूसरी टैगमन, ठीक है। ठीक है, एक टेस्टा दूसरी टैगमन, ये क्या है, सीड कोट ही है, ठीक है, जो कि एम्ब्रियो के बाहर प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं सीड के, जैसे हमने बात करी थी कि एम्ब्रियो बनने के बाद ही सीड बने, ठीक है। तो सीड टू टाइप के हो गए फिर, जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, दो टाइप के सीड हो गए हमारे, ठीक है। एक वो जिनमें एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है होता है पूरी तरह से, ठीक है, एक कहलाते हैं हमारे नॉन नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे एंडोस्पर्मिक, ठीक है। इनका मतलब, ठीक है, इन्हें हम नॉन है,
नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, ठीक है, क्या होता है इसमें एंडोस्पर्म क्या हो चुका होता है कंज्यूम, ठीक है, तब इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो गया तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाए, ठीक है। अगर इनके एग्जांपल की बात करें हम, ठीक है, तो इनके एग्जांपल में जो आते हैं हमारे, ठीक, वो ग्राउंडनट है, पी है, ये सारे इसके एग्जांपल हैं, ठीक है, ग्राउंडनट और पी इनके एग्जांपल हैं, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, एंडोस्पर्म रिमेन परसिस्ट या बचा, ठीक है, एंडोस्पर्म रिमेन्स परसिस्ट, ठीक है, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी अगर कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है, मींस सीड के अंदर एंडोस्पर्म मौजूद है, ठीक है, तो ऐसा सीड एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। अगर इनके एग्जांपल की बात करें हम, ठीक है, तो कैस्टर या कोकोनट की बात करें जिसमें पानी के रूप में, ठीक है, या सीड के रूप में मिलता है, ठीक है, तो दो प्रकार के सीड हो गए हमारे, कौन से, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, एंडोस्पर्म खत्म तो नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है, एंडोस्पर्म बचा रह गया सीड के अंदर, ठीक, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद भी, तो क्या कहलाए हमारे, एंडोस्पर्मिक सीड कहलाए, ठीक है। एक और प्रकार के सीड होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि न्यू सेल्स भी बचा रह जाता है, ठीक है, न्यू सेल्स अगर याद हो तो हमने मेगास्पोरंजिया का जो स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, तो जो उसमें न्यू सेल्स थे उनमें भी रिजर्व फूड होता है जो कि ओव्यूल के डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, कह सकते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बावजूद भी अगर कुछ न्यू सेल्स बचा रह जाता है, ठीक है, तो उस न्यू सेल्स को हम पेरिस्पर्म कह देते हैं, ठीक है, तो जिस सीड में ये होता है वो पेरिस्पर्मिक सीड कहलाते हैं हमारे, ठीक है, ठीक, तो नोट डाल के एक पॉइंट देते हैं नोट में, ठीक है, इन फ्यू सीड्स, ठीक है, न्यू सेल्स रिमेन परसिस्ट इन फ्यू सीड्स न्यू सेल्स रिमेन परसिस्ट, ठीक है, तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड पेरिस्पर्म, तो जो न्यू सेल्स बचा हुआ है, ठीक है, सीड में, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोल देते हैं, ठीक है, याद रहेगा, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है क्योंकि ये न्यू सेल्स सेल्स है इसलिए डिप्लॉइड नेचर की है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, तो पेरिस्पर्म एग्जांपल याद रखेंगे, ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होती है हमारी, ठीक है, या वीट जो होते हैं, ठीक, तो उनमें क्या होता है कि सीड के अंदर न्यू सेल्स भी बचा हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म कह देते हैं, ठीक है, तो एक क्लियर हुआ आपका, ठीक है, तो ऐसे एक कॉन्सेप्ट का क्लियर हुआ पेरिस्पर्म का, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे बना आपका, ठीक है,
डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक, उसका क्वेश्चन आपका होगा कौन सा बना हमारा, ठीक है, पेरिस्टम से बना। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रूट की। ठीक है, फ्रूट में डिटेल स्ट्रक्चर तो नहीं है, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि डिटेल में फ्रूट्स के बारे में 11th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बात कर ले। ठीक है, तो फ्रूट्स के बारे में देखा था कि फ्रूट जनरली हमारे कुछ वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप नहीं पढ़ने में, बेसिकली जो हमारे सिलेबस में यहाँ पर दिए हुए थे उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें दिए गए हैं, ठीक है, एक होते हमारे पास ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, उन पे बात करनी है अभी। ठीक, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तीसरे जो होते हैं वो होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक, इनका मतलब क्या है वो समझते हैं, फ्रूट्स होते क्या है। अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल डेवलप्ड इनटू द सीड। ठीक है, उसी प्रकार से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये भी आता है कि ओवरी जो होती है, ठीक है, ओवरी पूरी पूरी ओवरी, ठीक है, डेवलप्ड एज फ्रूट। ठीक है, पूरी पूरी ओवरी किसमें डेवलप हो जाती है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ठीक है, हम बात करें जो कवरिंग होती है फ्रूट की, कवरिंग, ठीक है, उस कवरिंग को पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, पेरिकार्प, और ये जो पेरिकार्प है, ठीक है, कुछ फ्रूट्स में तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। तो ये क्या है, तीनों कवरिंग मिलाकर हमारी क्या कहलाती है, पेरिकार्प कहलाती है। ठीक है, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं तीन में जिनमें तीनों अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ में ये दोनों मिल्क दो ग्रुप में होती है, कुछ में ये एक ही में, ये सारी मतलब डिफरेंशिएट नहीं हो पाती। तो ये अलग अलग प्रकार की हमारी क्या हो गई, कवरिंग हो गई, फ्रूट्स की कवरिंग। क्या कहते हैं, फ्रूट वॉल जो है वो पेरिकार्प के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी जो हमने डिफरेंशिएट किया है ट्रू फॉल्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो इनकी बात कर लें कि अगर कोई भी फल सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप होता है, ठीक है, ये डेवलप होंगे, इनका जो डेवलपमेंट होगा वो केवल और केवल ओवरी से होगा। ठीक है, अगर किसी फल का डेवलपमेंट सीधे सीधे ओवरी से होता है तो वो ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या हुआ, ऐसे फ्रूट्स, ठीक है, जिनका डेवलपमेंट जो होता है, हाँ, उनमें ओवरी तो है ही है। ठीक है, ओवरी के साथ में कोई ना कोई अदर पार्ट भी शामिल हो जाता है। ठीक है, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर, ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें लाइक थैलेमस, ठीक है, जैसे एप्पल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फॉल्स फ्रूट कैसे हुए, कौन से हुए, जिनमें ओवरी के साथ साथ, ओवरी तो इंक्लूड है ही है, ओवरी के साथ साथ फल अगर फूल का कोई और भी हिस्सा अगर इंक्लूड है तो वो क्या कहलाता है हमारा, फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारा सबसे कौन सा हो सकता है, एप्पल हो सकता है या स्ट्रॉबेरी वगैरह, इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे। ठीक है, ये कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं, ठीक है, ऐसे फ्रूट जिनका जो डेवलपमेंट जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। ठीक है,
जिसमें एग के बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल बन जाता है, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, जहां पर एग का फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, ठीक है, और बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी, ठीक है, डेवलप हो गई इसमें फ्रूट्स के रूप में, ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं, लाइक बनाना वगैरह, वो हमारे पार्थेनोकार्पिक के एग्जांपल हो गए, ठीक है। ये तीन प्रकार के फल हो गए हमारे पास, ठीक, टू फ्रूट्स, फल फूड और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हो गए हमारे, क्लियर, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है हमारा एपोमिक्सिस सीड और पॉलीएम्ब्रियो। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनिक, ठीक है, दोनों बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपोमिक्सिस की, एपोमिक्सिस होता क्या है, ठीक है। तो इससे समझने के लिए एक आसान सा तरीका है हमारे पास जो हम समझ सकते हैं, ठीक है। पहले चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, हाँ सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस पढ़ी थी हमने। दूसरा एक और पॉइंट पढ़ा था हमने पार्थेनोकार्पी, जिसमें हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। वैसे एक और टर्म हमारा एपोमिक्सिस, इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट है इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, हाँ, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बिना ही किसका डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी घटना क्या कहलाती है, एपोमिक्सिस कहलाती है, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्यूजन तो हो ही नहीं रहा, ठीक, जबकि सीड बन रहा है, तो सीड किसका रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन का, इट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं कि एपोमिक्सिस एक ऐसी घटना है, ठीक है, जो है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये कॉपी किसकी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब नकल है, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या है, दिस इज एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, विच मिमिक, मतलब नकल कर रहा है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, नकल कर, ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब बात करते हैं एपोमिक्सिस सीड बनते कैसे हैं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो इनके तरीके की बात कर लें, बनते कैसे हैं। हाँ, तो इनके बनने के बेसिकली कह सकते हैं कि दो तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे पहला जो तरीका होता है वो कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो एग का डेवलपमेंट है, ठीक है, वो किससे हुआ था, ओव्यूल का डेवलपमेंट मेगा स्पोर से हुआ था, ठीक है, हमने पढ़ा था मेगा सेल में क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ था, इसमें चार सेल बनी थी, तीन डीनेचर हो गई थी, एक बची थी मेगा स्पोर कहलाई थी, फंक्शनल थी, उस मेगा स्पोर ने क्या हुआ, फिर लगातार डिवाइड होकर आठ सेल बनाई थी, इसमें मतलब आठ न्यूक्लियस बनाए थे, चार ऊपर रह गए, चार नीचे थे, बीच में एक में आ गए, बीच में सेंटर में आ गए थे, दोनों दोनों पोल से एक, जिससे क्या बना था हमारा, पोलर न्यूक्लियाई बन गए थे, ठीक है। तो और नीचे जो सिनर्जी रीजन, जो सिनर्जी सेल के पास जो एक सेल थी, उससे क्या हो रहा था, एक सेल बना था, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं एक सेल का डिवीजन किससे, एक सेल का डेवलपमेंट किससे हुआ था, रिडक्शन डिवीजन से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक का डेवलपमेंट जो है बिना रिडक्शन डिवीजन, बिना मियोसिस से हो जाए, तो जो सेल बनेगी वो डिप्लॉयड होगी, ठीक है, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होता है, ठीक, तो वो सीधे सीधे डेवलप हो जाए उसमें। तो कह सकते हैं एग इज प्रोड्यूस्ड विदाउट मियोसिस, ठीक है,
बिना मियोसिस से एग बने एंड दिस डिप्लॉयड एग डेवलप, ठीक है, इस रूप में एम्ब्रियो के रूप में, और वो किसमें फिर सीड बना, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमने देखा था कि न्यू सेल्स में जो बहुत सारी सेल्स थी उनमें से कोई एक सेल जो सबसे बड़ी थी उसी ने डिवाइड करना स्टार्ट किया था, उसी ने आगे चल के मेगास्पोर बनाया, उसी ने आगे चल के एम्ब्रियो सेल बनाया, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि न्यू सेल्स सेल भी डिवाइड करना शुरू कर दे एम्ब्रियो सेक के रूप में, ठीक है, अब वो डेवलप हो जाए किसके रूप में, सीड के रूप में, ठीक है। न्यू सेल्स सेल्स स्टार्ट डेवलप, ठीक है, एंड फॉर्म सीड, हम दूसरे बनाएंगे जिससे क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। तो दूसरा तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं पॉली एम्ब्रियो की। पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो। अगर किसी एक सीड में, एक फल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो है, देन दिस इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियो। समझ आया क्या कहा, एक फल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना क्या कहलाता है, पॉली एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। अब पॉली एम्ब्रियो कैसे संभव है, ठीक है, तो एक तो ये हो गया भैया, आपने देखा था एक ओव्यूल के अंदर एक सीड, एक एग था, उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सीड बना, ठीक है। तो या तो मोर देन वन एग सेल प्रेजेंट, अगर या तो एक से ज्यादा एग सेल मौजूद होंगे, एक से ज्यादा फर्टिलाइजेशन होंगे, तो एक से ज्यादा, ठीक है, एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, हमने देखा था कि जनरली एक एम्ब्रियो हमने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन अगर किसी ओवरी में एक से ज्यादा एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो सेक है, तो एक से ज्यादा क्या हुआ, तो ओव्यूल एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे, तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेगी, ठीक है। मोर देन वन एम्ब्रियो सेक, ठीक है, इन ओवरी या फ्रूट्स, ठीक है, हाँ, एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक का होना, जितने ज्यादा एम्ब्रियो सेक होंगे उतने ज्यादा फर्टिलाइजेशन होंगे, उतने ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे, ठीक है। और तरीका क्या होता है, जो सिनर्जिक सेल्स है हमारी, ठीक है, अगर कोई सेल, अगर कोई मेल गैमेट उनसे फ्यूज हो जाए जाके, ठीक है, और वो डेवलप हो जाए, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स या सिनर्जिड सेल्स, ठीक है, फ्यूज विद मेल गैमेट, ठीक, एंड डेवलप्ड एम्ब्रियो, कंडीशन ये हो गई, ठीक है। तो ये तरीके हो गए पॉली एम्ब्रियो के, या तो एक से ज्यादा एग सेल्स मौजूद हो, फर्टिलाइजेशन एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक होंगे, ठीक है, तो एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे, एक से ज्यादा फिर फर्टिलाइजेशन एक से ज्यादा बार होगा, ठीक है। या अगर किसी कारण, ठीक है, मेल गैमेट फ्यूज हो जाए सिनर्जिड सेल से या एंटीपोडल सेल से, तब भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ये बन गया आपका, ठीक है। एपोमिक्सिस कहते कैसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एपोमिक्सिस, ठीक है, हाउ सच टाइप ऑफ सीड्स आर फॉर्म एंड हाउ दे आर इकोनॉमिकली या राइट देयर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस फॉर द फार्मर, ठीक है, इनका या इनका बात करें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि ये किसान के लिए किस प्रकार से बेहतर है, ठीक है, किसान के लिए किस प्रकार से मदद पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसका कारण ये भी है, ठीक है, इनके फायदे किसान के लिए ये भी है। पहली चीज, जो हाइब्रिड क्या होते हैं हमारे, हाइब्रिड जो सीड होते हैं, ठीक है, वो हर बार नए खरीदने पड़ते हैं, उन्हें
ठीक है, मतलब जो फसल है उसको फिर से, अगर कोई हाइब्रिड फसल किसी किसान ने की हुई अपने खेत में, तो फिर से उसे, ठीक है, उन्हीं बीजों को जो फसल आई है उनको फिर से उगाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन एपोमिक्स सीड के पास ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कोई फसल है उसकी, ठीक, उसमें अगर एपोमिक्स सीड है तो उनको किसान बार 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 बार, ठीक है, ग्रो कर सकता है, पहला फायदा, ठीक है। तो आर्थिक फायदा पहला ये हुआ कि किसान को हाइब्रिड सीड बार बार खरीदने नहीं पड़ते, ठीक है। दूसरा फायदा उनके लिए क्या है? दूसरा फायदा ये है कि जो पेरेंटल प्लांट है उसके अंदर जो डिजायर करेक्टर है वो डिजायर करेक्टर मेंटेन रहते हैं, किसमें? नए क्रॉप में, आप जो भी नई क्रॉप जो आएंगे उसमें डिजायर करेक्टर बने रहते हैं, ठीक है। तो ये दो फायदे हो गए, पहला, ठीक है, ये बहुत ज्यादा महंगे नहीं होंगे, ठीक है, बार बार किसान इन्हें उगा सकते हैं, ठीक है, और पेरेंटल डिजायर करेक्टर भी बने रहते हैं, ठीक है, ज्यादा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ठीक। तो एक ये भी क्वेश्चन है आपको, जो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। इन सबको पढ़ने के बाद चैप्टर में जो भी डाउट हो, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, एक डाउट लेक्चर रूप में आपको करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।